रमज़ान 12 महीनों में सबसे बढ़कर अफजल महीना है। रमज़ान को फजीलत मिलने का एक सबब यह है कि रमज़ान में लैलतुल क़द्र है, जिसके बारे में अल्लाह का ये फरमान है, खैरुम मिन अल्फ़ शहर, 1000 महीने की इबादत एक तरफ और रमज़ान की इस अकेली रात की इबादत एक तरफ। लेकिन क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की कि लैलतुल क़द्र को इतनी फजीलत क्यों नसीब हुई, और लैलतुल क़द्र की फजीलत का जो चीज़ बायस है वही रमज़ान की फजीलत का बायस है, और वो है कुरान। वो है इस रात में कुरान का नुज़ूल। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जहाँ रमज़ान, रमज़ान के रोज़े, रमज़ान के रोज़ों की फर्जियत का ज़िक्र किया, तो वहाँ रमज़ान का तारुफ़ कुछ इस तरह से करवाया कि कुरान को एक्सप्लेन कर दिया। अल्लाह ने रमज़ान के तारुफ़ में कुरान का तारुफ़ करवाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल-बकरा में आयत नंबर 185 में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम के बाद, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन, कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया, और ये नाजिल हुआ लैलतुल क़द्र में। तो अल्लाह ताला ने रमज़ान का तआरुफ़ कुरान से करवाया। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास वबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। तो जिस शख्स ने रमज़ान को कुरान के बग़ैर गुजारा, उसने रमज़ान की कदर नहीं की और रमज़ान से फ़ायदा नहीं उठाया। और जिस शख्स ने रमज़ान को कुरान के साथ गुजारा, उस शख्स ने यकीनन रमज़ान की भी कदर की और कुरान की भी कदर की, और रमज़ान का भी अदब बजा लाया और कुरान का अदब भी बजा लाया। तो देखिए कि हम रमज़ान को कैसे गुजारने जा रहे हैं, क्या कुरान के साथ या कुरान के बग़ैर। कुरान के साथ रमज़ान गुजारिए। किसी मोमिन के पास और कोई चॉइस नहीं है रमज़ान गुजारने की कुरान के बग़ैर। कुरान के साथ रमज़ान गुजारना, इसमें एक चीज़ कुरान की तिलावत, कुरान के अल्फाज को सीखना, कुरान को याद करना, और इन सब चीज़ों से अहम चीज़ यह है कि कुरान करीम के पैगाम को सीखना। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान के नुज़ूल का मकसद ही ये बयान किया सूरह साद में आयत नंबर 29 में, किताबुन अनज़लनाहु इलैका मुबारक लियदब्बरु आयाती। ये किताब अल्लाह ताला ने इसको नाजिल क्यों किया, ताकि लोग इसकी आयात में तदब्बुर करें। तो रमज़ान को कुरान के साथ गुजारिए इस तरह से कि कुरान के पैगाम को समझने की आप कोशिश करें। اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام